सो हेलो, किसके हाल चल रहे लोगों के, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं जगह फैक्ट्री में और मेरे साथ ऊपर से दो टीम्स उतरी है और मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा हूँ और वो भी फैक्ट्री में। तुम सोच सकते हो भाई, ये मतलब यहाँ से बचना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है जब इतने कंजस्टेड एरिया में दो तीन टीम्स हो। मतलब दो तीन तो नहीं, दो कह सकते हैं क्योंकि पैराशूट मैंने चार से ज्यादा देखे थे, ठीक है ना। तो इनको फिनिश भी देखो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था मैं यहाँ पे बचूंगा, तो क्यों ना जितना जल्दी अपने किल सिक्योर कर ले। सही है, मतलब कि भले मर जाओ लेकिन किल चोरी नहीं होनी चाहिए। एक किल है तो वो भी सिक्योर करना है। और चोरी भी करना है ना, वो ट्राई करा मैंने काफी, बट वो बंदा उसको मार देता है। बट कोई नहीं, अभी भी ऊपर दो बंदे हैं। हाँ, मैं पहुंच गया भाई, ऑलमोस्ट गया ही बंदा। अब यहां कसम से मैं मरने वाले काम कर रहा हूं। और डैम, अब भाई कुछ करके इसको खत्म। अरे क्यों कूद गया भाई, मैं बहुत ज्यादा लो था यार, तेरे से तो कम ही हेल्थ होगी जितना मुझे लगता है। वाह भाई बहुत सही, काश ये बंदा मेरे को खत्म कर देता, बिकॉज अब फर्स्ट एड लगने के बाद मेरे को एक और चांस मिल जाएगा। और 30 एमो बहुत है भाई एक बंदे को मारने के लिए। क्या सच में बहुत है? हाँ, अगर डैमेज रजिस्टर हो गया तो भाई मोर देन एनफ है। शॉर्ट गन मैंने उठा ली भाई प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है एक एम क्या डैमेज रजिस्टर नहीं होता। तो आने दो जरा इस बंदे को। अब इसकी हरकतों से मुझे लग रहा था या तो ये बहुत ज्यादा लो है, कुछ ज्यादा ही लो है, या फिर ये बहुत बड़ा कैंपर है। देखो कोने में छिप चुका था ये। बदल नॉक हुआ था, मतलब हो सकता है आसपास कोई टीममेट होगा, लेकिन अब मेरे को कोई भी किल चाहिए नहीं भाई। मैं बाकी किल्स बाद में ले लूंगा क्योंकि एक होल्डर पे मुझे चार किल्स मिल गए भाई। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है मेरे लिए। थैंक गॉड बाद में गॉड भी आता जिसको मैंने मार लिया। 5 किल्स पेयर हो चुके थे और मैं जंकयार्ड से होते होते रेड जोन से पहले बाहर निकल ले। ये मेरी गाड़ी पलटी यहाँ पर, बहुत बड़े पलटी गई, नहीं तो मैं राइट साइड नहीं देख पाता कि यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है। मैंने ट्राई करा वापस से और बस ट्राई ही कर पाया मैं। वो बंदे की तो एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन हाँ उनकी गाड़ी को मैंने काफी हद तक डैमेज दे दिया था, मतलब 30% तो दे दिया होगा भाई। तो वो जरूर आगे से कहीं ना किसी गाड़ी जरूर बदल देंगे। तो मैंने सोचा भाई ठीक है निकल के तो बढ़िया, लेकिन मैं बेशरम हूँ, मैं लिटरली चार बंदों के पीछे पड़ जाऊंगा गाड़ी लेके। तो मैं गाड़ी लेकर सीधा पायलट प्लाजा आया और यहाँ जब आया तो माहौल ठंडा पड़ गया। क्रेट्स तो है लेकिन ये बोट वगैरह होंगे भाई, स्टार्टिंग कोई आया होगा, कोई भी नहीं था शायद यहाँ पे। तो मैं मिरांडो लेके निकल लेता हूँ यहाँ से कि भाई ठीक है, नहीं है कोई तो क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं इस फर्स्ट एड के लिए उतरा था, लेकिन ये गन शॉट के आवाज से मेरे को लग रहा है कि ये बॉट फायर दे रहा है। यो ब्रो चोरी पकड़ ली, लेकिन लेकिन सामने देखो एक पीली आउटफिट में ऊपर की तरफ बंदा भी है, तो मैं अगर उसको मार नहीं गया रेड आउटफिट वाले को तो वो ऊपर से कवर देगा। अबे क्या कर रहा है, लिटरली मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। अब वो रेड आउटफिट वाला मार सकता था लेकिन वो लिटरली बोंदू है, मेरा मतलब बोंदू है, और पीली आउटफिट वाला भी बोंदू था यार, दोनों ही शूट कर सकते थे। मैं लिटरली कितना लिटरली बोल रहा हूँ, मैं सस्ते में आगे पीछे की तरफ, लेकिन मैंने अब दिमाग से सोचा कि मे बी मेरे को दूसरी बार मौका ना दे तो थोड़ा टाइट होकर जाते हैं। वो देखो हेडशॉट जिस बंदे के लगा ना वही था वो पीली आउटफिट वाला बंदा। देखो होता है बार बार, मैंने तो गेम खेला होता तो मुझे पता होता कि हाँ कहाँ पे कौन बंदा होगा, मैं देखता भी नहीं, लेकिन हो सकता तुम लोग फील ना कर पाओ उस तरह से कि हाँ भाई क्या बकबक कर रहे, कहाँ बंदा हमें तो दिख रहा, तो इसलिए कभी कभी डीपली एक्सप्लेन करना पड़ जाता है मित्रों। ये देखो ऊपर बैरल वगैरह चल रही है और 2 फुटस्टेप्स आ रहे हैं एक्चुअली। व्हाट द हैक भाई, दो टीम्स थी यहां पर, एक बंदा मेरे लिटरली सामने लेटा और मैं उसके आगे जो बंदे उनके स्प्रे मार रहा हूं, बच गया बस। क्या ही बंदे हैं यार, बैठे सबसे पहले तो नेशनल के प्लेयर्स को फिनिश करा, कसम से मन को शांति मिल गई। 8 किल्स तो हो चुके हैं, मैच सही में बड़ा औसम जा रहा है। और अगर तुम लोगों ने गौर दिया हो तो पीछे की तरफ भी गनशॉट की आवाज आई थी ना, पीछे की तरफ जिस घर में मैं टिप पे ले रहा था ना वहां पर कुछ और ही बंदे आ गए थे, सही टाइम पे मैं यहाँ पे रेस्ट करने आ गया। कोई ना अपने मैंने मिरांडो पकड़े और मैंने सोचा अभी के लिए जोन निकल जाता हूँ तो सही रहेगा। मतलब साइड मैंने पता नहीं क्यों चेक नहीं करा, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। अब इसने जब गोली चला ना तो मेरे को पता चला कि साहिल इस तरफ भी तो बंदा था भाई, तू कहां आगे की तरफ जा रहा था। खैर पीछे मेरे को एक और फुटस्टेप आया, शायद से कोई टीममेट भी था या फिर मे बी मेरे को वहम हो जाता है, लेकिन कोई नहीं अभी इस बंदे पे फोकस करते हैं। एस्टल के धारी तो मेरे को ये लग नहीं रहा है तो आराम से फाइट ले सकते हैं।
कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया भाई, सही खेल रहे लड़के, तू आ जा। बहुत ही बढ़िया, भले ही मर गया लेकिन यार इज्जत मिली इस बंदे को कि एसल के नहीं चला रहा। क्या दिन आ गए हैं भाई, मतलब इज्जत देनी पड़ रही कि तुम एसल के नहीं चला रहे यार, कितने रेयर हो तुम। खैर जो भी हो, मैं ऊपर की तरफ चला गया कि यहाँ से थोड़ा दिख जाएगा मेरे को कोई टीममेट वगैरह था कि नहीं, तो मैं यहाँ चेक करना है लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। ऊपर से बॉट बहुत परेशान करते हैं। कौन सी गुफा में थे भाई साहब आप, अब निकल के आया ये, जबकि इसके टीममेट को मैं इतनी देर तक लपेट रहा था, कम से कम 30 सेकंड तो फाइट चली थी, तभी कहा था अब बोट को मारना है, तब आया भाई निकल के। यार क्या बताऊं, इससे ज्यादा गुस्सा वैसे इस बोट पे आ रहा था मेरे को। खैर ये वाला मैच है, मैं फैक्ट्री में, इस बार अपने टीममेट को भी ले आया साथ में कि भाई पिछली बार तो अकेले नहीं धूम मचा दी थी, टीममेट होगा तो साथ में, क्या पता 10 किल्स निकल जाए फैक्ट्री से। ये कुछ ज्यादा हो गया, इतने तो हॉर्डर पे बंदे नहीं आते। अब भागने का फायदा नहीं, ऑलमोस्ट पकड़ लिया। डैम कितना छटपटा है बंदा, झटपटा या तड़पा कि हाँ भाई छोड़ दो। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ से मुझे कोई फुटस्टेप आया भाई हल्का फुल्का। ओहो भाई साहब, इस पे कसम से मेरे को दया आ गई यार, इसलिए मैंने M16 पे स्विच करके इसको नॉक करा, कि ले इसको यूं तो लगेगा कि हाँ भाई M16 से मारा, बराबरी का मुकाबला था। एक्चुअली M16 से पीक करा था भाई, तुम्हें बताओ M16 लेकर जो एक ऑटो गन नहीं है बस पे चलती है वो लेकर पीक कौन करता है भाई, मतलब हाँ दया यार। खैर जो भी हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। अभी यहाँ और भी बंदे हैं इसलिए मैं वापस आया, नहीं तो अपने टीममेट को भी बोल देता कि भाई मेरा किल सिक्योर कर दे। अभी यहाँ और भी बंदे हैं, देखो मेरे ठीक ऊपर फुट से पा रहा है ना, एक मैं वेपन देता हूं उसको, फिर आप मार लियो। मेरे टीममेट ने कहा कि भाई ब्रूटल भाई, इतना भी क्यों ब्रूटल होना, इसको वेपन दे देते हैं। लेकिन व्हाट इज दिस यार, उसको नीचे भेजाओ साले, नीचे भेजाओ उसको, नीचे भेजाओ। कहते मुक्के बरसवा दी थी उस बंदे ने, और अब देखो टांग उठा के निकल गया बेटा, अब तो एक खत्म ही होगा बुरे वाला। और लिटरली मैं कितना बड़ा चोर हूं यार, मेरी M4 भी चली गई ब्रो, मतलब मेरे टीममेट ने M4 इसको इसके लिए दी थी लेकिन वो मैंने उठा ली। खैर जो भी हो, यहाँ पे तुमने कुछ स्पॉट किया भाई, लिटरली यहाँ से मुझे कुछ उठा उठा सा दिखा, कुछ अजीब साउंड कर रहा है लेकिन वहाँ पे, अरे यार अजीब साउंड नहीं कर रहा है, नाम भी अजीब अजीब रख लेते हैं ना बंदे। वहाँ मुझे किसी बंदे का हेड दिखा था कि हाँ भाई कोई तो ऊपर उठा है, तो नहीं यार टावर के पास नहीं है, मेरे को लगा है कि उसी घर पे है। देखो मैं भी खुद इतना ज्यादा श्योर नहीं था, मैं भी डबल माइंडेड था कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि मेरे को मिली सेकंड्स के लिए भी नहीं दिखा, शायद उससे भी कम टाइम के लिए दिखा और बस निकल ही गया, तो इसलिए मैं फिर भी थोड़ा सतर्क होकर चल रहा था कि हाँ कवर टू कवर चलते, क्या पता नुबड़ा खत्म कर जाए हमारा इतना बढ़िया गेम। ओ देखो देख रहे हो, स्मार्ट कैंपर है लिटरली, आने दिया आगे कि हाँ एक बार आगे आना, तो विश्वास दिलाता हूँ बंदों को कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और तभी ये सरप्राइज दे देगा हमको। अच्छा बेटे, खैर कोई नहीं, हम भी बहुत बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है भाई सरप्राइज देने में। अभी जरूर थोड़ा थोड़ा पीछे खिसका होगा, तो मैंने पीछे की तरफ ही फेंका, और आज तो भाई कसम से जश्न का मौका है क्योंकि मेरे को हर हॉट ड्रॉप से 4 किल्स मिल रहे हैं भाई, मजे आ गए लिटरली। 44 का स्कोर हो चुका था देख सकते हो तुम, और इस बंदे क्रेट लूटा मैंने। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते गेम में, गाड़ी लेकर देखो मैं जस्ट जंक यार्ड से निकला था स्टेडियम की तरफ, हमेशा मेरा यही है, वहां से लूट के मैं इसी रूट पे आता हूं। लेकिन यहां पर देखना मेरे को कितने बंदे कितनी जगह स्पॉट होते हैं, और आखिर में मैं लड़ने किससे जाता हूं। ये देखो लेफ्ट फुट सबसे स्टेडियम की तरफ है ना, मैं चाहता तो पीछे जा सकता था लेकिन मेरे को सामने वो दो गाड़ियां दिख चुकी थी। और ये देखो अपार्टमेंट की तरफ देखना जरा आप लोग, देखा ना अपार्टमेंट भी कोई चल रहा था, वहां पर भी एक गाड़ी थी, लेकिन नहीं मैं सबको इग्नोर करके इन्हीं पे फोकस करता हूँ क्योंकि दो दो यूएस है भाई। सोच देखो एक यूएस में 4 बंदे आ सकते हैं, दो दो क्यों चल रहे हैं, मे भी भाई यहाँ पे दो टीम से एक दूसरे को चीज कर रही हो, 8 किल्स मिल सकते हैं, कितना ज्यादा लालच में आ गया था मैं। लेकिन क्या है भाई, दोनों गाड़ी में एक बंदे थे बस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अभी भी देखो वो वाली यूएस मेरे को दिख रही है पिंक कलर की, मैंने शूट करने का भी ट्राई करा कि बेटा कुछ करके इसकी गाड़ी को तो डैमेज दे दूँ, क्या पता जल जाए तो रुक जाए वो वहीं पे ही, लेकिन नहीं बिल्कुल ताजी थी उसकी गाड़ी, निकल जाता है वो। अब कोई नहीं हम भी निकल लेते, सिर्फ एक किल मिला, कहाँ क्या क्या नहीं सोच गया था। गाड़ी लेकर मैं अपार्टमेंट की तरह जाता हूँ, या तो वो बंदा रुक गया होगा या फिर यहाँ से भी तो फुटस्टेप्स आए थे, तो क्या पता बंदा अभी भी हो यहाँ पर। बिल्कुल था बंदा, और ये नहीं होता तो ही सही रहता है यार, मतलब बिल्कुल ही आसानी से मैंने इस बंदे को मार दिया। कोई नहीं, यहाँ से कंपनसेटर मैंने उठाया, और अब अगली बारी कहाँ की है पता है, मेरे को स्टेडियम की तरफ से फुटस्टेप्स आया था याद होगा तुम लोगों को, तो मैं ही इसे बिल्कुल चिपका चिपका के गाड़ी लेके जाता हूँ। ऊपर देखो एक गाड़ी जा रही है, हाँ लेट में फुटस्टेप्स आया, लेकिन वो एक बोट होता है, और रियल प्लेयर को मारना भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोट्स तो बाद में बच जाएंगे ना, तो उनको लपेटते रहेंगे। AWP चल रही है सेंट्रल रोड में, तो बच के थोड़ा। जम
ये बंदा खुद को बहुत लकी समझ रहा होगा कि कैसे मैं बच गया। देख रहे हो मतलब क्या ही बताऊ, गाड़ी की ऑलमोस्ट जल गई थी इस बंदे की। खत्म कर इस बंदे को। अब आ रही है सेंट्रल रोड वाले बंदे की, जो कि उस तरफ से EWM और SLK M4 वगैरह बहुत कुछ चला रहे भाई बंदे। तो ऊपर चलते हैं, हाइट एडवांटेज लेंगे। और ये देखो मैंने और भी ज्यादा हाइट एडवांटेज लेने के लिए इस पे चढ़ गया, देख रहे हो भाई कितने इंचेस का हाइट एडवांटेज मिल गया होगा मेरे को। पर कोई नहीं यार, स्टेबल स्प्रे गया। फंस गया था लिटरली मैं यहाँ पे। उस बंदे का बड़ा ही स्टेबल स्प्रे आया है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मैंने एक को नॉक कर दिया तो मेरे सब यहाँ पे टिका नहीं जाएगा भाई। बढ़िया मौका, बिल्कुल तीन बंदे शायद सामने की तरफ, तो मुझे एक किल चाहिए। देख रहे हो ऊपर 10 को 10 लिखा आ जाएगा भाई मेरे स्कोर बोर्ड पे, कितना सुंदर लगेगा। मुझे लगा था वो नॉक हो जाएगा भाई इतने में, इसलिए मैंने शूट करना, अबे यार शूट करना बंद कर दिया, कहाँ से आगा भाई तू। कोई नहीं, नहीं करते किस चैनल डेना। होप सो तुम्हें आज की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरा से भी मजा आता है सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कर देना वीडियो को। मैं आप लोग से कल मिलता हूँ, गुड बाय।